Hello guys, welcome to another exciting tutorial about how we can upload a file to a server in a server folder, and how we can use and how we can create a URL where we can access the file which we uploaded. So let's start it. तो यहाँ पर जो है वो हमें दो लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती हैं इस तरह के काम के लिए, एक मल्टर और एक जो है वो एक्सप्रेस अपलोड्स। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्सप्रेस अपलोड्स को। इसकी लाइब्रेरी को आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ से आप डाउनलोड करें npm, सही है, इसको अपने जो है वो फोल्डर के अंदर रन कर दें यहाँ पर कमांड, जो कि इंस्टॉल हो जाएगी, जो मेरे पैकेट एडिशन में ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हुई है एक्सप्रेस अपलोड। इसके बाद अपनी इंडेक्स ही फाइल के अंदर जाएँ, जो आपकी एंट्रेंस फाइल होती है उसके अंदर आप इसको निकालें, फाइल अपलोड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें इसकी लाइब्रेरी से, और उसके बाद सिंपल फिलहाल जो है वो फंक्शन चला दें। बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ अभी, जिसके अंदर सिंपल यहाँ से आप फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके अंदर और चीज़ें होती है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कितनी एमबी की फाइल हो और किस पाथ के अंदर जाए, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन होती हैं। लेकिन अभी जो है हम सिंपल हम अपना पाथ खुद बनाएंगे और उसको जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। अब दूसरी चीज़ मुझे ये करनी है कि इसका फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने सिंपल जो है वो एक फंक्शन हम लाया है अपलोड डॉक्स एफ एन के नाम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर मेरे पास बैक एंड से फ्रंट एंड से क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स पे मैं अपना सर्वर चलाता हूँ और चेक करता हूँ। ये मेरी API है, ये मेरी डॉग फील्ड का नाम है जो कि फॉर्म डाटा में जा रही है, और मैं अपनी इमेज सेलेक्ट करता हूँ जो कि है HTML की फीचर। ओके, मैं इसको पोस्ट किया और मेरे पास ये फाइल आ चुकी है, ये सब डाटा मेरे पास आएगा देखें डॉग के अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका बनाते हैं इस फाइल का नेम। फाइल का नेम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फर्स्ट करें मेरी फाइल भी जैन है और किसी और बंदे की फाइल भी जैन है, वो दोनों नाम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो इतने यूनिक नाम बनाना पड़ता है हमेशा फाइल का। तो इसके लिए मैं लेता हूँ डेट फाइल नेम इक्वल टू डेट डॉट नाउ, सही है, और डेट डॉट नाउ प्लस रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक डॉट, जो मेरे पास डॉग के अंदर नेम आ रहा है, सही है, ये मेरा नाम बन गया है। उसके बाद अब मैं बनाता हूँ URL। हमारे पास बेसिकली दो URL होते हैं, एक होता है URL जो प्रोडक्शन के वक्त यूज़ होता है, और दूसरा URL जो होता है हमारे पास वो होता है डेवलपमेंट के वक्त यूज़। डेवलपमेंट यानी कि लोकल, और प्रोडक्शन यानी कि जो हमारे पास URL होते हैं जो होस्टेड URL होते हैं। इसको बेसिकली वैसे तो हम जो है वो अपनी ANV की फाइल के अंदर रखते हैं, उधर जो हम डिप्लॉयमेंट दोनों URL बना के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर सकते हैं एट डॉग URL इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देते हैं हार्ड कोडेड HTTP फिलहाल, जिसके अंदर जो HTTP सही है, और जिसके बाद जो हम यहाँ पर लिखते हैं कि रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट है, तो अब यहाँ पर हम जो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट होस्ट, तो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 जुड़ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद प्लस एस करते हैं, फिर यहाँ पर स्लैश डालते हैं, फिर यहाँ पर प्लस करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं अपना फाइल नेम, सही है। यहाँ पर किसी फोल्डर का नाम क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर कोई फोल्डर नहीं बना हुआ फिलहाल, बना हुआ लेकिन मैं उसके अंदर फाइल अपलोड कर रहा, इसलिए जो है यहाँ पर कोई फोल्डर का नाम नहीं आया, वरना यहाँ पर फोल्डर का नाम आएगा स्लैश के बाद, और उसके बाद फाइल नेम आएगा जो भी फाइल नेम हमारा बना हुआ, सही है। ये मैंने डॉक URL बना लिया, अब इसको जो मैं पोस्ट करता हूँ, अब यहाँ तक तो ये फाइल इसके अंदर अपलोड हो जाएगी, सही है, जैसे ही मैं इसके अंदर मूव करूँगा वेट, सही है, अब वेट के बाद जो है वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट डॉक डॉट मूव, इसका एक फंक्शन होता है इस लाइब्रेरी का जो मैं एक्सप्रेस की यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो हमसे एक पैरामीटर मांगता है वो बोलता है पहले मुझे पाथ बताओ, तो मैं पब्लिक हमारा पाथ दे देता हूँ, उसके बाद मुझे बताओ फाइल नेम, तो मैं फाइल नेम दे देता हूँ जो हमने बनाया, और उसके बाद मुझे एक फंक्शन दो कॉल बैक जिसके अंदर मैं बताऊँगा तुम्हें कि मैं सब कुछ सही चले कि नहीं, फंक्शन एरर, और यहाँ पर जो है वो सही है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अगर हमारे पास एरर आया है तो मुझे एरर शो करा देना, सही है, जो मुझे देखने के लिए, और रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर देना 3 डॉट और जेसन के अंदर जो मैसेज एरर,
रही है और अगर एरर नहीं आया है तो अब हमारे पास इस डेट इस ये जो यूआरएल बनाया इसे हमें डेटाबेस में सेव कराना पड़ेगा उस एंटिटी के लिए, क्योंकि जो है वो जब हम एक्सेस करेंगे तो हमारे पास कोई एंटिटी होनी चाहिए जिसके लिए हम एक्सेस करें। तो इस यूआरएल को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो मेरी फील्ड्स का नाम है डेटाबेस के अंदर। सही है, यूज़र आईडी जो पीछे से आ रही है और डॉक का यूआरएल, सही है। और फिर मैंने इसको चेक किया, मैंने इसको पोस्ट कर दिया और पोस्ट करने के बाद जो है मैंने चेक करा अगर तो तुम्हारा पोस्ट सही हुआ है तो उसके बाद जो है वो इसको सही कर दो, और अगर सही नहीं हुआ है पोस्ट तो एरर रिटर्न कर दो। सिंपल, पोस्ट हुआ है तो उसके अंदर पोस्ट कर दो और एरर पोस्ट नहीं हुआ है तो एरर कर दो वरना फिर पोस्ट रिटर्न कर दो। इसको चला के देखते हैं हम और उसके बाद इसको एक्सेस भी करेंगे। अब अपलोड हो गया, अच्छा हमारे पास इसका यूआरएल भी आ गया। अगर हम इसको हिट करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया। एरर इसलिए क्योंकि ये इस यूआरएल को एज अ एपीआई ट्रीट कर रहा है कि ये यूआरएल हमारा एज एपीआई है। इससे बचने के लिए इसको हमारे पास बताने के लिए रखो कि हमें एपीआई नहीं, ये एक स्टेटिक फाइल है जो हमारे सर्वर के फोल्डर के अंदर रखी हुई है। हम एक फाइल ऐड करते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक, जिसके अंदर हम उस फोल्डर का नाम देते हैं पब्लिक, और ये जो है वो ये मुख्तलिफ फोल्डर के नाम देते हैं। हमने भी पब्लिक रखा हुआ था, हम पब्लिक दे देते हैं। और इसके अलावा फिर अगर हमें कोई और अपने एसिड रखना है तो हम इधर एसिड रख देंगे। तो इस तरह से हम फोल्डर्स के नाम रख देंगे और ये फिर उसको जो है वो एज अ स्टेटिक फाइल ट्रीट करेगा, एज अ यूआरएल ट्रीट नहीं करेगा एपीआई का। अब जो मैंने इसको ये फाइल कोड कर दिया है तो रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इसने ये फाइल ला दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक एनी थिंग्स प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।